गाइस देखो, ये जो आज की वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा रियल 100% रियल मेथड लेकर के आई हूँ मनी अर्न करने का, जिसमें सिर्फ 30 मिनट्स डेली दे करके आप लोग एक बहुत ही अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अच्छी बात देखो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन से काम करना है, इजिली आप लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस पर्टिकुलर टूल को यूज करके फिर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एंड पूरा प्रोसेस मैं आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपने इस टूल को यूज करना है, एक्चुअल में आपने काम क्या करना है यहाँ पे, जिससे आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आज की, ये एप्लीकेबल है फॉर एनीवन। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी एज डिपेंडेंट नहीं है, तो सभी लोग इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं और जॉब करते हैं, बट आप एक साइड इनकम, मतलब एक अच्छी साइड इनकम, सिर्फ साइड इनकम मैं नहीं कहूंगी बट एक अच्छी साइड इनकम पार्ट टाइम काम करके अगर आप लोग जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। एंड सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो आपकी अर्निंग्स होंगी दैट विल बी 100% पैसिव। ठीक है, जो कि मंथ्स टू मंथ्स आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपने, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत हो या फिर आपने खुद की बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगानी हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे सारा काम आपके लिए ये टूल करेगा, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप विदाउट एनी स्किल्स, सिर्फ जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी उन चीजों की मदद से, उन स्टेप्स की मदद से कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग अ कॉपी पेस्ट मेथड। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको कॉपी एंड पेस्ट मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है, प्रूफ भी दूंगी कि कैसे लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए एंड फिर खुद से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। तो गाइस, क्या आपको पता है कि ये जो चैनल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मंथली बेसिस पे $20,000 से ज्यादा अर्न कर रहा है। ये जो चैनल है ये एक्चुअल में एनिमल्स कैटेगरी का चैनल है। ठीक है, जो कि एनिमल फैक्ट्स पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होते हैं अबाउट एनिमल्स, उन पे वीडियोस क्रिएट करता है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो जानने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं वो सारी वीडियोस एआई का यूज करके बनाई गई हैं, बाय यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम सीन्स, मतलब जो उसमें सीन्स लगाए गए हैं, वहां से लेकर के जो वॉइस ओवर किया गया है, जो टेक्स्ट यूज किया गया है, सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे जनरेट की गई हैं। एंड इस तरीके की वीडियोस को जनरेट करना यूजिंग एआई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी इस काम को कर सकता है। ठीक है, जिसको इसका प्रोसेस पता हो, एक सिंपल सा कॉपी पेस्ट प्रोसेस है, अगर वो आपको आ गया, अगर वो आपने सीख लिया, तो मतलब आप भी इजिली इससे भी अच्छी वीडियोस यहाँ पे बना सकते हैं एंड लैक्स में आप अर्न कर सकते हैं मंथली। ठीक है, तो आज हम इसी पर्टिकुलर मेथड की बात करेंगे कि कैसे हम भी ये काम करके इजिएस्ट वे में, जिसमें मतलब हमारी कोई स्किल्स यूज ना हो, एंड इजिली सिर्फ 30 मिनट्स डेली का दे करके ऐसे ही वीडियो जनरेट कर पाए एंड एक अच्छी मंथली अर्निंग्स कर पाए। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो गाइस चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी आसानी से कर पाएंगे, बट अभी क्योंकि आपको चीजें क्लियरली यहाँ पे समझ में आए, इसलिए मैं अपने लैपटॉप का यूज कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर मोबाइल से काम करने में कहीं में भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए अब देर ना करते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आपको बताती हूँ उसका पूरा प्रोसेस। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम आएंगे इस वेबसाइट पर, socialblade.com पर। ठीक है, एंड जिस चैनल की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जिसका नाम नेचर लेंस है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये जो चैनल है नेचर लेंस, ये 20 सितंबर 2022 के दिन ये जो चैनल है ये क्रिएट किया गया था। इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर अभी कंप्लीट ही हुआ है। ठीक है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है।
तो उस हिसाब से जो इस चैनल की ग्रोथ हुई है वो भी काफी अच्छी हुई है। 6,64,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस पे एंड सिर्फ 260 अपलोड्स हैं, ठीक है। एंड इस डेटा के साथ यहाँ पे जब आप देखोगे, देखो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $9,600 से लेकर के $152,000 तक इसकी मंथली अर्निंग्स हैं, ठीक है। तो अगर मतलब हम ये मान लेते हैं कि चलो ज्यादा नहीं भी, हालांकि जो अपर लिमिट है हमेशा वो कंसिडर की जाती है, बट स्टिल अगर हम ज्यादा वाली नहीं भी कंसिडर करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 9,000 से ऊपर मतलब लगभग 20,000, जबकि 20,000 काफी कम है 152,000 से, बट स्टिल अगर हम ये भी मान लेते हैं कि $20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, तब भी ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और सिर्फ शॉर्ट्स के साथ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल पे ले चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे नेचर लेंस, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग सिर्फ शॉर्ट्स डालते हैं, वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट्स पे हम लोग जाएंगे, यानी शॉर्ट वीडियोस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कितना इजीली इन्होंने ये जो शॉर्ट्स हैं इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से शॉर्ट्स हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। This lizard can shoot sticky slime from its tail as a defense mechanism. Meet the golden-tailed gecko, the slime shooter. Lizards are known to have unique defense mechanisms, from autotomy or detaching tails to escape, to shooting blood out of their eyes. एक्चुअल में देखो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ कुछ सीन्स यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, जिनको इन्होंने मर्ज किया है, एक वीडियो बनाई है उनसे, एक वॉइस चल रही है, यहाँ पे सब टाइटल्स भी लिखे हुए आ रहे हैं इनकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो इतना सा काम है जो हमें करना है, अभी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, जिस वेबसाइट पे हमें सबसे पहले जाना है, उसका नाम है ChatGPT, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ChatGPT। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो लिंक आ रहा है इसे आपने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना होगा, मैंने ऑलरेडी इस पे साइन अप किया हुआ है इसलिए मेरा डायरेक्ट इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो रहा है। आपने अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की हेल्प से यहाँ पे साइन अप कर लेना है। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखो न्यू चैट क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो गाइज ये जो टूल है, जो ChatGPT टूल है, ये एक्चुअल में एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जो कि AI टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है, ठीक है, एंड लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में या फिर कन्वर्जेशन करने में एबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम इसके साथ किसी भी तरीके की हम कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस पर्टिकुलर AI टूल की हेल्प ले सकते हैं। तो गैस देखो क्योंकि हम यहाँ पे एक YouTube शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें शॉर्ट्स की जरूरत है, तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने शॉर्ट्स किस पर्टिकुलर टॉपिक पे डालने हैं, मतलब जो हमारा यूट्यूब चैनल होगा जिसपे हम शॉर्ट्स क्रिएट करके डालेंगे वो किस कैटेगरी का चैनल होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये एनिमल कैटेगरी का है, तो इस कैटेगरी पे शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करना काफी इजी होता है विद द हेल्प ऑफ AI। मतलब वैसे तो किसी भी कैटेगरी में आप क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कॉन्टेंट ज्यादा इजिली मिल सकता है, ठीक है, आपको फुटेजेस ज्यादा इजीली मिल सकती है, ठीक है ना। तो हम भी इसी कैटेगरी को अभी आज की वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो वैसे देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले चूज कर लिया कि हमने एनिमल फैक्ट्स को टारगेट करना है, ठीक है। हम अपने चैनल पे एनिमल्स से रिगार्डिंग जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह हैं वही उन्हीं पे हम शॉर्ट्स बनाएंगे। अब जो यहाँ पे दूसरी बात आती है वो ये आती है कि हम किन एनिमल्स पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज, इसको एक्चुअल में हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड देना। तो यहाँ पे जो भी जिस भी तरीके की कमांड हम ChatGPT को देंगे वैसा ही आउटपुट हमें ये ला करके दे देगा, वैसा ही आंसर हमें उसी हिसाब से हमें आंसर ला करके यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो हमारा होने वाला है दैट इज सजेस्ट 20 एनिमल्स फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चैनल ऑन यूट्यूब। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब ये हमें 20 एनिमल्स की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिन पे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एन एग्जाम्पल हम कैमलियन चूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड इस पे हम एक शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। तो अब देखो गाइज अब यहाँ पे अभी इस स्टेज में हमने सिर्फ अपना जो मतलब जो एनिमल है जिसपे हम शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे ये हमने डिसाइड किया है, बट हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में क्या चीजें डालेंगे अभी हमें वो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो भी हम सेम टूल से ही जनरेट करेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैमलियन। तो यहाँ पे मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट दूंगी, ठीक है, ChatGPT को,
He write an essay containing 30 to 50 words with interesting facts on camelin. ठीक है, तो ये हमने डाल दिया. तो यहाँ पे उसने हमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट कैमिलियंस, ठीक है, वो उसने निकाल करके दे दिए हैं. अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसे यहां से हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर लेना है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जो कि ये है कि हमने इस स्क्रिप्ट को यूज करके, अपने इस कॉन्टेंट, शॉर्ट कॉन्टेंट को यूज करके एक वॉइस ओवर जनरेट करना है. ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज कर सकते हो टू जनरेट वॉइस ओवर्स, दैट इज 11labs.io. ये बेस्ट है आपके लिए अगर आप फ्री में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो. 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा होता है. अगर आप शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, अगर आप ऐसा कोई चैनल बना रहे हो जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स आपको डालने हैं, ठीक है, थीके? तो मतलब 10,000 कैरेक्टर्स का मतलब है कि आप यहाँ पे आसानी से 25 to 30 शॉर्ट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो मंथली. ठीक है, तो आप लोग जरूर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे सिर्फ आपने इसको एट्रीब्यूशन देना होगा, ठीक है, जो भी शॉर्ट्स आप बनाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपने वहां पे डालना होगा कि आपने जो वॉइस ओवर जनरेट किया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ 11labs.io. ठीक है, ऐसा करके आपने एट्रीब्यूशन देना है. ठीक है, एंड आपका काम आसानी से इनके फ्री प्लान से ही हो जाएगा. इसके अलावा देखो एक और सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है play.ht. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनका फ्री प्लान है यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, 2500 वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा है. अभी फिलहाल हम इसी टूल की हेल्प से इस काम को करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है. यहाँ पे क्लिक कर देंगे साइनअप विद गूगल पर. तो कैसे को सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है, एंड यहाँ पे जो भी वॉइस चाहिए वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सुन के देख सकते हैं अलग अलग वॉइसेस को. तो मैं फिलहाल यहाँ पे एंटोनी चूज कर लेती हूँ, जो कि अमेरिकन एक्सेंट में है. ठीक है, तो अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चैनल क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां से हमारी ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है, तो हम ये वाली वॉइस उसके हिसाब से चूज कर लेंगे. अब तो गाइस उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है. ठीक है, अब तो गाइस यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे. यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देती हूँ. देखिए, कैमेलियंस आर रेनाउंड फॉर देयर कलर चेंजिंग एबिलिटीज, which they use for communication and temperature regulation. Their independently mobile eyes provide a 360-degree view, and zygodactyl feet allow agile tree climbing. Prehensile tails provide extra support. Madagascar is their primary habitat, with over 200 species exhibiting various traits. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वॉइस इसने काफी अच्छी जनरेट की हुई है. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे. ठीक है, एंड ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप. अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमने क्या करना है, हमने एक्चुअल में अपनी वीडियो क्रिएट करनी. तो उसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे canva.com. कैनवा एक तरीके का डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है. ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाय जस्ट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस. ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने चीजों को बनाना होता है. इवन शॉर्ट वीडियोस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, देखो हमने एक्चुअल में कैनवा पे करना क्या है, हमने यूट्यूब शॉर्ट्स की जो वीडियो होगी हमारी वो हमने एक्चुअल में कहाँ पे बनानी, कैनवा के थ्रू बनानी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टाइप कर लेना है यूट्यूब शॉर्ट्स. ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये हमें यूट्यूब शॉर्ट्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे दे देगा कई सारे. तो आप चाहो तो आप इन टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो. वैसे इस तरीके की वीडियोस में हमें टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं होती है. तो हम यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक पर हम क्लिक करेंगे. इसके बाद देखो गाइस यहाँ पे हमने एक्चुअल में क्या करना है कि जो हमने अभी ऑडियो फाइल डाउनलोड करी थी अपने सिस्टम पे वो हमने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है. ठीक है, तो मेरी ये जो फाइल है यहाँ पे अपलोड हो गई है, हमें इस पर्टिकुलर फाइल पर क्लिक कर देना है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑडियो है यहाँ पे आ चुकी है हमारी टाइमलाइन पर. ठीक है, बट यहाँ पे जो उसकी लेंथ दिखा रहा है दैट इज 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स की दिखा रहा है, जबकि ये 24 सेकंड्स की है. ठीक है, तो हमें जितनी भी है मतलब जो भी इसकी लेंथ है वहां तक हमें इसे ड्रैग कर लेना है. तो गाइस देखो ये हमारा थर्ड स्टेप था. अब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, जिसमें हमने क्या करना है, हमने फुटेजेस सर्च करनी है अपनी इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में लगाने के लिए. तो गैस उसके लिए मैं जो प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करूंगी दैट इज pixabay.com. इसके अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पिक्सल्स हो गया, कवर हो गया. ठीक है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं. तो फिलहाल हम यहाँ पे पिक्सैबे को यूज करेंगे. तो हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है. ठीक है, कैमिलियन ये हम सर्च कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी फोटोज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे रिलेटेड टू कैमिलियन. ठीक है,
अब देखो गैस, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फोटोज चाहिए वो अपने शॉर्ट्स के लिए चाहिए, हालांकि हम इन फोटोज को भी यूज कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स में। यहाँ पे हम अपनी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करेंगे टू वर्टिकल, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास वही इमेजेस आएंगे जिनको हम वर्टिकल तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये इमेज है तो इसे हम यूज कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ी सी मतलब एक्सक्लूसिव सी लग रही है इमेजेस थोड़ी सी मतलब दिखने में, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने कैनवा टाइमलाइन पे, ठीक है। सिर्फ आप ऐसा करोगे एंड ये जो इमेज है ये आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इमेज आ गई यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज यहाँ पे मेरी टाइमलाइन पे आ जाएगी। अब इसे मैं अपने फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इमेज लग गई। अब देखिए गाइस, ऐसे ही कुछ और इमेजेस एंड वीडियोस मैं कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, कैमलिन के, जिनको बाद में हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। सो गाइस, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस भी सर्च कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल्स प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फ्री वीडियोस हैं, तो इनको भी मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, एंड अपने कैनवा में अपलोड कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस एंड वीडियोस डाउनलोड करके अपलोड कर ली है अपने कैनवा में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके वॉइस के हिसाब से यहाँ पे इन क्लिप्स को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्ले करेंगे। Chameleons are renowned for their color changing abilities, which they... अब यहाँ पे आ रहा है देखो कलर चेंजिंग एबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन चेंज करना होगा एंड डिफरेंट कलर में हमें यहाँ पे कैमलिन दिखानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने सीन को पहले हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड सीन लगा देंगे, ठीक है। Chameleons are renowned for their color changing abilities. यहां से फिर से हम अपनी स्लाइड चेंज कर लेंगे, तो इसमें हम एक वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वीडियो हम यहाँ पे लगा देंगे। सो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने सीन लगा दिए। अब हमें एक चीज और यहाँ पे ऐड करनी है जो कि है सब टाइटल। सो गाइस देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसका जो वीडियो वाला पार्ट है वो हम हाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है जिसपे हमने स्लाइड लगाई है, वो लाइन यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट पे हमें जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है, एंड इसको आप चाहो तो आप बीच में भी डाल सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नीचे इस यहाँ पे डालें, ठीक है, ताकि आपकी पिक्चर जो है वो भी साफ दिखाई दे एंड आपका जो टेक्स्ट है वो भी अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम सबसे पहले कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड इसको हम यहाँ पे व्हाइट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमारा इतना टेक्स्ट आ रहा था, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड फिर हम यहाँ पे फर्स्ट वाली स्लाइड में डाल देंगे, ठीक है। आप चाहो तो उसके पीछे आप एक ट्रांसपेरेंट सा ब्लैक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाना होगा, यहाँ पे शेप्स पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे ड्रैग करना होगा, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हम लोग कर देंगे ताकि जो हमारा मेन टाइटल है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर देना है बाकी की स्लाइड्स में भी, ठीक है, एंड उन उन स्लाइड्स में उनके जो टाइटल्स हैं उन पर्टिकुलर टाइटल्स भी डाल देने हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया है, बाकी की स्लाइड्स में भी मैं पेस्ट कर दूंगी। सो गाइस, ऐसे ही मैं सारी स्लाइड्स में चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है, सभी में टेक्स्ट डाल देती हूँ। तो यस, ये काम भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब हम फाइनली अपनी वीडियो देख लेते हैं कि कैसी लग रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। Chameleons are renowned for their color changing abilities, which they use for communication and temperature regulation. Their independently mobile eyes provide a 360 degree view, and zygodactyl feet allow agile tree climbing. Prehensile tails provide extra support. Madagascar is their primary habitat, with over 200 species exhibiting various traits. So guys, देखो हमारी वीडियो यहाँ पे बन करके तैयार हो गई है विद सब टाइटल्स। अब जो हमारा फाइनल इसमें स्टेप है
वो ये है कि हमने अपने इस पर्टिकुलर YouTube शॉर्ट्स वीडियो के लिए एक ऑडियो सर्च करनी है, ठीक है, जो कि कॉपीराइट फ्री हो, जो हम लोग इस वीडियो में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सके। सो गाइस देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं एंड वहां पे आप लोग अपनी वीडियो के हिसाब से म्यूजिक सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग जॉनर चूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर एम्बियंट चूज कर लेंगे एंड उसके बाद मैं फिलहाल ये वाला म्यूजिक यहाँ पे चूज कर लेती हूँ, ठीक है, आइसलैंडिक। तो इसको हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे उस म्यूजिक को अपलोड कर लेना है। उसके बाद हम फिर फाइनली अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड प्ले पे हम क्लिक करेंगे। Chameleons are renowned for their color changing abilities, which they use for communication and temperature regulation. Their independently mobile eyes provide a 360 degree view, and zygodactyl feet allow agile tree climbing. Prehensile tails provide extra support. Madagascar is their primary habitat, with over 200 species exhibiting various traits. So guys, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है YouTube Shorts वीडियो हमारी लग रही है। इसी तरीके की आपने काफी सारी वीडियोस क्रिएट करनी है, ठीक है, एंड अपने चैनल पे अपलोड करनी है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस था। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, फाइनली आपने अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आपने यहाँ पे जाना है शेयर पे एंड फिर आपने यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो ये वीडियो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एंड इसे फिर आपने फाइनली क्या करना होगा, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आपने वहां पर यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आपने इसको डालना होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल क्रिएट करना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इन डिटेल्ड वीडियोज आपको इस टॉपिक पे मिल जाएंगी, ठीक है, कि कैसे आपने चैनल क्रिएट करना है, कैसे आप वहां पे अपनी शॉर्ट्स वीडियोज को अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपने शॉर्ट्स का SEO करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके शॉर्ट्स पे आए, ठीक है, एंड YouTube उसको प्रमोट करे, तो उसकी भी काफी सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी YouTube पर। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर उन वीडियोस को पहले वॉच करें एंड सारे स्टेप्स फॉलो करें अगर आप जल्दी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन सभी के लिंक्स मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, ठीक है, एंड आपको वहां पे जो भी अपडेट्स वगैरह हैं हमारी वीडियोज की वो भी वहां पे मिलती रहती है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।